हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा समांतर माध्य को इंडिविजुअल सीरीज में, आज हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं। मैंने आपको तीन श्रेणी बताई थी, फर्स्ट व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद में सेकंड खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, यह है डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरी जो है अखंडित श्रेणी, जिसको आप कंटिन्यूस सीरीज भी बोल सकते हो, सतत श्रेणी भी बोल सकते हो। तो तीसरी है सतत श्रेणी, या फिर आप इसको अखंडित श्रेणी भी बोल सकते हो। तो देखो, हमने सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिविजुअल सीरीज से क्वेश्चन किया समांतर माध्य का। उसमें हमने दो रीतियां की थी, एक प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति से कैसे क्वेश्चन किया जाता है, इसका फॉर्मूला था एक्स बार बराबर समेशन एक्स अपॉन एन। और जो दूसरी रीति थी, इसको प्रत्यक्ष रीति, इसको दीर्घ रीति भी कहते हैं, एक अप्रत्यक्ष रीति थी। अप्रत्यक्ष रीति, इसको लघु रीति भी कहा जाता है, लघु रीति। और इसका फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए एक्स प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। ये हमने क्वेश्चन किए थे, एक उदाहरण करवाया था मैंने। आज हम खंडित श्रेणी से क्वेश्चन करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में केवल मूल्य दिए होते हैं, खंडित श्रेणी के अंदर मूल्य के साथ में आवृत्तियां भी दी होती है। जैसे खंडित श्रेणी का उदाहरण देखो, एक्स कोई भी सीरीज है, प्राप्तांक हो सकता है, आय हो सकती है, मजदूरी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी मूल्य हो सकता है। और इसके साथ में अगर आवृत्ति भी दी हुई है, जैसे 10 अंक प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 20 अंक प्राप्त करने वाले 7 विद्यार्थी हैं, 30 अंक प्राप्त करने वाले मान लीजिए 10 विद्यार्थी हैं, 40 अंक प्राप्त करने वाले 8 विद्यार्थी हैं, 50 अंक प्राप्त करने वाले मान लीजिए 4 विद्यार्थी हैं, तो ये सीरीज कौन सी हो गई हमारी, इसको कहते हैं खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें मूल्य दिए हुए हैं, मूल्य के साथ में क्या दी हुई है, आवृत्ति भी दी हुई है। मूल्य के साथ में आवृत्ति दी हुई है। जब इस तरह का हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, तो ऐसी स्थिति में हम दो रीतियों से आगे कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। जो अप्रत्यक्ष रीति है, इनडायरेक्ट मेथड, इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो इनमें इस रीति का जो सूत्र था, अपने सॉरी इस व्यक्तिगत श्रेणी के जो दो रीतियां थी, इनके जो सूत्र थे ये थे। अब हम खंडित श्रेणी के अंदर यही दो रीतियां, खंडित श्रेणी में भी इन दो रीतियों से क्वेश्चन हो सकता है, प्रत्यक्ष रीति और सेकंड जो है वो है लघु रीति। अब देखो, वही ये तो सूत्र थे कौन सी श्रेणी के, व्यक्तिगत श्रेणी के थे। अब आपको खंडित श्रेणी के अंदर इन दोनों रीतियों से क्वेश्चन करना हो, तो देखो एक्स बार बराबर वही समेशन, उसमें एक्स था, इसमें एफ भी होगा, एफ एक्स अपॉन समेशन। आप एफ भी कर सकते हो या फिर इसकी जगह एन भी कर सकते हो। यहां एन का मतलब आवृत्तियों का योग है, इसमें ये ध्यान में रखना। चाहे तो आप फॉर्मूला ये कर दीजिए, या समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन समेशन एफ एक्स अपॉन एन, ये कर सकते हो आप। तो एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, या समेशन एफ एक्स अपॉन एन। एन क्या चीज है, यही समेशन एफ, आवृत्तियों का योग है। इसी तरह से दूसरी लघु रीति, लघु रीति के अंदर भी जैसे हमने व्यक्तिगत श्रेणी में अप्रत्यक्ष रीति का सूत्र लिखा, उसी तरह से कल्पित माध्य इसमें भी लेना होगा हमें, ए एक्स प्लस विचलन जो लिया हमने, उसको आवृत्ति से गुणा करना पड़ेगा। जो डी एक्स, डी एक्स क्या चीज है, एक्स में से हमने ए एक्स को घटाया, तो जो मूल्य दिए हुए हमें उनमें से हमने कल्पित माध्य को घटाया, तो डेविएशन प्राप्त हुआ, हमें विचलन प्राप्त हुआ एक्स श्रेणी का। उस एक्स श्रेणी के विचलन को हमने एफ से गुणा किया और फिर उसका योग कर दिया। तो यही फॉर्मूला, इसमें आप डी एक्स को एफ से गुणा कर दोगे, तो फिर हम खंडित श्रेणी में लघु रीति से क्वेश्चन कर सकते हैं। बटा में एन, एन क्या चीज है, वही स्पेशल एफ है। तो यहां जो आपने व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सूत्र किए थे, वही सूत्र यहां भी करेंगे। सिर्फ अंतर इतना है कि व्यक्तिगत श्रेणी में आवृत्तियां नहीं दी होती, तो हमने सीधा केवल मूल्यों के आधार पर ही सूत्र
के अंदर मान रखा था, हमारा सूत्र केवल मूल्यों से संबंधित ही था, और यहाँ जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर मूल्यों के साथ में आवृत्तियां भी है। जैसे हमने ये एक उदाहरण दिया, इस उदाहरण में देखिए हम दोनों रीतियों से क्वेश्चन करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष रीति से, प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला ये होता है। प्रत्यक्ष रीति का क्या है, स्पेशल एफ एक्स अपॉन स्पेशल एफ। अब आपको करना क्या है, ये जो भी प्राप्तांक मूल्य इनकम जो भी कुछ दिया हुआ है, मूल्य आपको किसी भी रूप में दिए हुए हैं, चाहे वो प्राप्तांक के रूप में दिए हुए हैं किसी भी रूप में, उसको एक्स मान लीजिए, जो भी आय वगैरह दी हुई है, और उसकी आवृत्ति एफ होती है। संख्या वगैरह भी हो सकती है, जैसे प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक को हमने क्या मान लिया, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर ये दिया होता कि प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या अगर ये चीज दी होती हमें, तो प्राप्तांक जो है ये मूल्य है, इसको एक्स मान लेंगे, और जो विद्यार्थियों की, मजदूरों की या व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसको फ्रिक्वेंसी एफ। तो इसमें देखो आपको इस सूत्र में दो चीजें ही चाहिए, कौन कौन सी चाहिए, एफ को एक्स से गुणा करना है और उसका योग करना है। तो एफ को एक्स से गुणा कीजिए, एफ को एक्स से गुणा किया और इसका योग कर दिया आपने। तो देखो इसमें 10 को 5 से गुणा किया एफ एक्स, एफ को एक्स से गुणा किया 50, इसी तरह से आपने 20 को 7 से गुणा किया 140, ये कितना हो गया 300, अपने 40 को 8 से गुणा किया 832, 320 हो गया, और ये कितना है 200। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, एफ एक्स तो हमने कर दिया लेकिन इसका योग भी करना है। तो स्मेशन एफ एक्स, इसका जब आप योग करोगे तो स्मेशन एफ एक्स बराबर क्या होगा, इसका योग कर दीजिए, एफ एक्स तो हमने कर दिया, इसका योग करना है। सबसे पहले 0, इसके बाद में 5, 6, 9, 2, 11, 11 का 1, इसके बाद में 2, 3, 5, 3, 8 और 1, 9, 9 हासिल थी 10, 1010 हो गया इसका योग। इसका योग देखिए टोटल कितना हो गया 1010। एक बार वापस देखिए, आपने एक आई किस गए 0, ढाई किस गए 5, 6, 9, 9 और 2, 11, 11 का 1, फिर 1, 3, 4, 4 और 3, 7 और 2, 9, 9 और 1, 10, 1010। 1010 जो है एफ एक्स का योग हो गया। आवृत्तियों का योग भी कीजिए, चाहे तो आप इसको एन बोल दीजिए या फिर ये स्पेशन एफ, स्पेशन एफ आवृत्तियों का योग है, एफ का योग कितना हो गया, ये 7, 5 और 7, 12, 10, 22, 8, 30 और 4, 34, इसका योग कितना हुआ 34। इस तरह से प्रत्येक स्थिति में एक्स बार बराबर स्मेशन एफ एक्स का मान कितना है 1010 और स्मेशन एफ का मान कितना है 34। इसमें 1010 के अंदर 34 का भाग दीजिए, जितना भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें ज्ञात करेंगे। तो देखो प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या दोनों का हमने गुणा किया, गुणनफल जो है उसका योग करेंगे, वो स्पेशल एफएक्स होगा, एक आवृत्तियों का योग करेंगे। इस तरह से आपको दो ही चीजें ज्ञात करनी है, एफएक्स का योग और एफ का योग। देखो कई जगह जो है बुक्स के अंदर ये संकेत अलग भी दिए हो सकते हैं, जैसे कई बार एम दे देते हैं, स्मेशन एफ एम ये भी लिख सकते हो आप, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एम, यानी कि मूल्य ही है ये, ठीक है ना, क्योंकि जब आपको अखंड श्रेणी दी होती है तो उसके अंदर वर्गांतर दिए होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो मिड वैल्यू मानते हैं, तो मिड वैल्यू को एम से संकेतित कर देते हैं, चाहे आप उसको एक्स भी मान सकते हो। तो यहाँ इसको जो हमने एक्स माना है इसको एम से भी संकेतित किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लगभग जो है इसमें हर बुक्स में एक्स ही मिलता है, कहीं जो है वो एम भी इसका संकेत मिल सकता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष रीति जो है एक्स बार स्मेशन एफ एक्स अपॉन स्मेशन एफ, ये इसका सूत्र है और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने टेंथ में पूरा पढ़ा हुआ है डिटेल से। तो ये प्रत्यक्ष रीति हो गई हमारी। अगर आपको इसी क्वेश्चन को लघु रीति से करना हो, या फिर हम एक उदाहरण और करते हैं प्रत्यक्ष रीति का, बुक से करते हैं हम एक उदाहरण और। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 19 मजदूरों को निम्नलिखित मजदूरी प्राप्त होती है, मजदूरी और मजदूरों की संख्या,
मजदूरी है और मजदूरों की संख्या, ये 19 मजदूर हैं। मजदूरी कितनी दी हुई है, रुपए में दी हुई है, ये मजदूरी दी हुई है 10, 20, 30, 40 और 50, और मजदूरों की संख्या ये है 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 5, टोटल इनकी संख्या दी हुई है 19, यानी कि एन का मान कितना है, या स्पेशल एफ का मान कितना है 19, 4, 5, 9 और 3, 12, 12 और 7 की कितने हो गए 19। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 19 मजदूर हैं और उनकी ये मजदूरी दी हुई है, यानी कि 10 रुपए मजदूरी पाने वाले कितने मजदूर हैं, 4 मजदूर हैं। 20 रुपए जिनको मजदूरी मिलती है वो टोटल 5 मजदूर हैं, ठीक है। 30 जिनको मजदूरी मिलती है वो 3 मजदूर हैं। तो इसको फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहते हैं, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 10 वाले 1, 2, 3, 4 है, 20 वाले 5 है, 30 अंक वाले सॉरी 30 रुपए मजदूरी वाले 3 मजदूर हैं। तो ये हमारा क्या चीज है, मजदूरों की संख्या, ये एफ है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, और इसको आप चाहे तो एम मान लीजिए या एक्स मान लीजिए। तो उसी तरह से अगर आपको प्रत्यक्ष रीति से क्वेश्चन करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, एफ एक्स करेंगे, ये एक्स है, ये एफ है, एफ एक्स कीजिए और इसके अंदर इनका गुणा कर दीजिए, एफ को एक्स से गुणा करना है। तो 4 से संबंधित मूल्य कौन सा है, 10 है, तो 10 से संबंधित आवृत्ति कौन सी है, 4, चाहे से बोल दीजिए। तो उसको उसकी प्रत्येक मूल्य को उसको उसकी संबंधित आवृत्ति से गुणा करना है 40। ये मूल्य है 20, इसको इसकी संबंधित आवृत्ति से गुणा कर दीजिए 100। इसी तरह से इससे संबंधित आवृत्ति 3 है, 90 हो गया, ये कितना हो गया 80, और ये कितना है 250। उसी तरह से स्मेशन एफ एक्स इसका योग कीजिए, इस स्मेशन एफ एक्स इसका योग होगा, यहाँ ये लघु रीति से किया हुआ है, योग देख लीजिए 40 और 140, 90 230 और 80 310, 310 और 250, ये हो गए 560। स्मेशन एफ एक्स का मान जो है वो 560 है, और आवृत्ति कितनी है, आवृत्तियों का योग कितना है 19। तो इस तरह से एक्स बार ये स्मेशन एफ एक्स का मान कितना है हमारा 560, और आवृत्तियों का योग 19, ये भाग देना, ये रुपए के अंदर औसतन मजदूरी आ जाएगी, समांतर माध्य आ जाएगा। थोड़ा ये चेक कर लेना योग 560 है क्या। तो इस तरह से तरीका बता दिया मैंने आपको, एफ एक्स करना है, इसका योग करना है, उसके बाद में जो आवृत्तियों का योग होगा उसको भाग देना है स्मेशन एफ एक्स से। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन किया। अब हम इसी क्वेश्चन को लघु रीति से करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लघु रीति से करते हैं। देखो हमारा लघु रीति में फॉर्मूला है ए एक्स प्लस स्मेशन एफ एक्स एफ डी एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, कल्पित माध्य मानना है, ए एक्स माना गया माध्य, ये कल्पित माध्य है। तो कल्पित माध्य किसमें से चुनेंगे भैया, मूल्य में से चुना जाता है, कहीं आवृत्ति में से मत चुन लेना, क्योंकि हमें औसत किसका ज्ञात करना है, इस मजदूरी का औसत ज्ञात करना है, ये तो संख्या है। तो हमें किसमें से मानना है, मूल्य में से। तो कल्पित माध्य ए एक्स मान लीजिए हम लगभग सेंटर में चुन लेते हैं 30 मान लेंगे, कल्पित माध्य 30 है। तो इस कल्पित माध्य को मानने के बाद आप 10 भी चुन सकते थे, 50 भी चुन सकते थे, या जो मूल्य इसमें नहीं है जैसे 15, 18, 25, 22 कुछ भी, वो भी चुन सकते हो आप, परंतु हमें जो मूल्य दिया हुआ है उसी में से चुनना चाहिए, आंसर उनसे भी आ जाएगा। तो अपने सही तरीका ये है कि जो मूल्य दिए हुए हैं उन्हीं में से चुनो और लगभग सेंटर में प्रयास रखो चुनने का। तो इसके अंदर देखो 30 अपने कल्पित माध्य चुना, फिर डेविएशन लीजिए। तो विचलन कैसे लेना है, एक्स में से हमें क्या करना है, ए एक्स को घटाना है, एक्स हमारी ये सीरीज दी हुई है, इसमें से ए एक्स जो कल्पित माध्य आपने माना है उसको घटाना है इसमें। तो देखो 10 में से हमने 30 घटाए माइनस 20, 20 में से 30 घटाए तो इसमें आ जाएगा माइनस 10,
30 में से 30 घटाए 0, 40 में से 30 घटाए प्लस 10 और 50 में से 30 घटाए प्लस के 20 हुए। आप जब इनका योग करोगे, इसका योग वैसे जरूरत नहीं हमें, तो इसमें 0 आ रहा है, हमें इसको f से गुणा करना है, f dx। देखो f dx क्या होगा हमारा, इस dx को इसके संबंधित आवृत्ति से गुणा करना है, फिर योग करेंगे, क्योंकि हमें सीधे dx का योग नहीं चाहिए, f से गुणा करके फिर योग चाहिए। तो देखो माइनस 20 को 4 से गुणा किया, 80 माइनस का है, ये माइनस के 50 माइनस 50, ये 0 हो गया, यहां प्लस 20 और ये कितना है 100। इस तरह से हमने जब दोनों को गुणा किया तो इनका गुणनफल ये आया, 20 माइनस 20 को 4 से गुणा, माइनस 10 को 5 से गुणा, 0 को 3 से, 10 को 2 से और 20 को 5 से गुणा किया। अब इसका योग कीजिए, ये हो जाएगा हमारा समेशन f dx। इसके अंदर पॉजिटिव मान जो है उनका योग कीजिए, प्लस के 120 है और माइनस के कितने 130 है, प्लस के 120 माइनस के कितने 130, यानी कि इसका योग क्या आएगा, 130 में से हमने 120 घटाया माइनस के 10, नेगेटिव मूल्य जो वो ज्यादा है, नेगेटिव संख्या ज्यादा है इसमें, तो उसमें से हमने पॉजिटिव को घटाया, तो जो ज्यादा है उसका साइन रहेगा माइनस के 10। अब आवृत्तियों का योग वही n जो है वो 19 था, या आप इसमें समेशन f भी कर सकते हो, बार बार बता रहा हूं, n या समेशन f एक ही बात है। तो अब आप इस फॉर्मूले में मान रखिए, x का मान कितना है 30, समेशन f dx का मान हमने निकाला माइनस 10 और ये अपने समेशन f का मान कितना है 19। अब देखो 30 प्लस और माइनस चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और जो 10 के अंदर आपने 19 का भाग दिया वो देख लीजिए कितना है, तो 10 में हमने 19 का भाग दिया, ये आ जाएगा 0.0, तो ये आ गया 19 5 पे जाएगा, 45 हो गया, और देख लीजिए आगे 0.55 सॉरी 0.55 क्या 5 6 0 19 38 0.52 के करीब है इसका मान 0.52। तो आपको 10 में जब 19 का भाग दोगे तो 0.52 आएगी, कितना है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे पहले प्लस माइनस माइनस लिख दो, या ऐसे कर सकते हो, माइनस 10 में 19 का भाग दिया तो माइनस के 0.52 ही आएगी। अब हमने जब ब्रैकेट खोला तो 30 प्लस माइनस माइनस ये 0.52 हो गया, और आगे आप दो डिजिट तक की कर लीजिए, आगे भी कर सकते हो आप इसमें, तो x बार बराबर ये इसमें से घटाया तो 19 पॉइंट कितना गया, सॉरी 29 पॉइंट कितना गया 48, 29.48 ये मजदूरी है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करती है, क्योंकि हमारा टॉपिक ये है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब ये जो औसत है समांतर माध्य जो है ये केंद्र को व्यक्त करता है, दी गई आवृत्तियां और जो मजदूरी दी है इसके आधार पर, देखो 29.48 लगभग सेंटर में है, छोटा मूल्य 10 था, सबसे बड़ा मूल्य जो है वो 50। समांतर माध्य एग्जैक्ट सेंटर को व्यक्त नहीं करता, वो मध्य का व्यक्त करती है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति लगभग सेंटर की होती है। इसका मतलब ये है कि जो औसत होता है उससे कुछ व्यक्ति जो है या मजदूरों की संख्या आदि जो है, कुछ तो 29.48 रुपए जो मजदूरी प्राप्त करें ना, उनसे कुछ तो ज्यादा मजदूरी प्राप्त करने वाले हैं और कुछ जो है वो कम मजदूरी प्राप्त करने वाले हैं। चूंकि ये केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करता है तो लगभग आप ये मानिए कि इसके अंदर जिन श्रेणियों के अंदर लगभग केंद्र की प्रवृत्ति होती है उनमें लगभग जितने ही, जैसे 29.48 मजदूरी आई, इससे जितने ज्यादा मजदूरी प्राप्त करने वाले होंगे लगभग उतने ही कम मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे इसके अंदर, या मजदूरों की संख्या होगी, क्योंकि ये सेंटर को व्यक्त करता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी 29.48 से ज्यादा ही मजदूरी वाले हैं या सभी कम ही हैं, तो ये लगभग सेंटर में होता है, लगभग आधे ज्यादा होंगे आधे कम होंगे, ये श्रेणी पर भी डिपेंड करता है, आधे होंगे किस तरह की स्थिति होगी, तो कुछ ज्यादा होंगे कुछ कम होंगे, एवरेज के अंदर इस तरह से होगा।
तो इस तरह से ये हमने x बार 29.48 ज्ञात किया। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो आप जब 0.52 से आगे एक दो डिजिट करोगे तो आंसर में थोड़ा फर्क आ सकता है। तो यहाँ अगर आप पॉइंट्स के बाद में दो डिजिट करते हो तो ये हमारा 29.48 आंसर आएगा। ये हमारी दूसरी रीति हो गई खंडित श्रेणी की। कौन सी? लघु रीति, अप्रत्यक्ष रीति जिसे कहते हैं। तो अगर आपको व्यक्तिगत श्रेणी का इंडिविजुअल सीरीज जो है उसकी दोनों रीतियां आती है तो खंडित श्रेणी में कुछ नहीं है, आपको एफ से गुणा और करना है। फिर से सूत्र रहेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ ये हमारी दूसरी रीति हो गई अप्रत्यक्ष रीति का उदाहरण। इसी तरह से आप अन्य उदाहरण भी कर सकते हो। अब हम आगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसके अंदर तीसरी जो सतत श्रेणी है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।